सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ईश्वर के सामने अपने मन और हृदय की बात रखना ही प्रार्थना है। प्रार्थना आपको बल देती है, प्रार्थना आपको संबल देती है, पवित्र बनाती है। और इसीलिए आज हम अपनी प्रार्थना लेकर आए हैं माँ कात्यायनी के दरबार में, जो कि दिल्ली के छतरपुर में स्थित है। पिछली आधी सदी से देश की राजधानी के इस कोने में बह रही है भक्तों की भागीरथी। पिछली आधी सदी से दिल्ली के इस आंगन में फहरा रही है धर्म की ध्वजा और पिछली आधी सदी से छतरपुर के इसी प्रांगण में बिखरी है आध्यात्म की अद्भुत छटा। क्योंकि पिछली आधी सदी से यहाँ पूरी शान से अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान है माँ दुर्गा की छठी विभूति माँ आद्या कात्यायनी। मैंने माँ कात्यायनी से प्रार्थना करी तो बेटी पैदा हुई। मेरे मन का विश्वास है यहाँ माता रानी का दरबार है, जो बोलते हैं वो इच्छा पूरी होती है। मैंने चुनरी बांधी थी हमारी शादी हो जाए, तो सच में मेरे लिए शादी हम दोनों की हो गई। छतरपुर मंदिर देश के सबसे बड़े और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। 70 एकड़ में फैला ये मंदिर भारत देश की दिव्य सांस्कृतिक धरोहर है, जहां माँ कात्यायनी का मुख्य मंदिर तो है ही, लेकिन उनके साथ साथ ऐसे छोटे बड़े अनेकों मंदिर हैं, जिन्हें देखकर आप श्रद्धा से भर उठेंगे। आज प्रार्थना स्वीकार हो में हम आपको श्री राम के दरबार में कन्हैया के द्वार तक और त्रिपुरारी महादेव के स्वरूप से लेकर बजरंग बली के विशाल काय रूप तक माँ भगवती के धाम का कोना कोना दिखाएंगे। आपको मंदिर मंदिर ले जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सोने चांदी से जगमगाते देवी कात्यायनी के अनुपम दरबार में, जहां बसता है माँ का ऐसा ओजमयी स्वरूप, जिसके दर्शन के लिए दुनिया भर के भक्त यहाँ खिंचे चले आते हैं। मैं पहली बार इस मंदिर में आया हूँ। मंदिर तो और भी हैं, लेकिन क्या है कि इस मंदिर में एनवायरनमेंट जो मिलता है, एनवायरनमेंट से एक आत्मा को शांति मिलती है। और अब भविष्य में मेरी यही कामना है कि भाई मैं आता रहूँ। अपने चतुर्भुज रूप में सिंह पर सवार माँ के इस रूप की छटा निराली है। माँ के द्वार को चांदी से मढ़ा गया है और इस पर लक्ष्मी, गणेश, हाथी, शेर, परियां और द्वारपालों की आकृतियों को उकेरा गया है। द्वार बनाने के लिए चांदी का इस्तेमाल क्यों किया गया, इसके पीछे एक विशुद्ध वैज्ञानिक कारण है। दरअसल चांदी भव्यता का प्रतीक तो है ही, लेकिन साथ साथ शास्त्रों में से शीतलता प्रदान करने वाली धातु भी माना गया है। चांदी का कुछ अपना ही तासीर, उसमें क्या है, शीतलता है। कोई भी इंसान उष्णता में, गर्मी में कोई गलत काम कर सकता है, उष्ण शीतलता में नहीं। तो हिरण्यवर्णम हरिणम स्वर्णतस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जाति भेदोम आवह, लक्ष्मी का एक स्वरूप है चांदी को माना गया है। तो शक्ति के दरबार में चांदी से बना हुआ महारानी के दरबार में आते ही उन भक्तों को ऐसी शक्ति प्रदान होता है कि उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाता है। माँ का भवन अगर चांदी सा जगमगाता है तो माँ की मूर्ति की आभा बढ़ाते हैं एक से एक जड़ाऊ आभूषण और चांदनी चौक की सबसे सुंदर और शानदार पोशाकें।
आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली के लहंगा व्यापारियों में माँ के स्वरूप को सजाने की होड़ लगी रहती है। केवल पोशाके ही नहीं बल्कि देवी के श्रृंगार के लिए देश के सुदूर कोनों से फूल मंगाए जाते हैं। यहाँ रोज सुबह 3 बजे से ही माँ का श्रृंगार शुरू हो जाता है, यानी हर रोज नई पोशाकों और खास फूलों की माला से सजता है माँ का मनोहारी रूप। इस मंदिर में देवी के 2 रूप बसते हैं। पहले स्वरूप में वो अपने दोनों पुत्रों के साथ विराजमान है। भक्त यहाँ संतान की लालसा मन में लिए माँ कात्यायनी के स्वरूप के दर्शन करने पहुँचते हैं। श्री माँ का विग्रहों का दर्शन करने से जो सौभाग्यवती स्त्रियाँ आती हैं दर्शन करने के लिए, माँ की गोद में स्वामी कार्तिकेय जी हैं और कार्तिकेय जी के इस विग्रह का जो दर्शन करते हैं उन्हें संतान प्राप्ति होता है। इसी कामना से जो भक्त आते हैं उन्हें यह सब कुछ प्राप्त होता है। संतान प्राप्ति के कामना से भगवती माँ के गोद में कार्तिकेय स्वामी विराजमान हैं। मैं 1998 से आया इसी मंदिर में, श्री अध्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में। जो मांगता था वो माँ कात्यायनी के दरबार में पूर्ण हो जाता था। मैंने माँ कात्यायनी से प्रार्थना करी तो बेटी पैदा हुई थी। जहाँ माँ का एक रूप जीवन दायिनी का है, तो वही दूसरा रूप है दुष्टों का दलन करने वाली महिषासुर मर्दिनी का। लेकिन माँ महिषासुर मर्दिनी भक्तों के लिए अपने कपाट रोज नहीं खोलती। माँ का ये मंदिर चैत्र और आश्विन माह में आने वाले दोनों नवरात्रों के अलावा दोनों गुप्त नवरात्र और हर महीने की पूर्णिमा को खुलता है। इन खास दिनों पर यहाँ माँ के इस रौद्र रूप के दर्शन करने वालों का तांता लगा रहता है। माता के 9 स्वरूपों में से एक छठा स्वरूप माँ कात्यायनी का है और पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि कात्यायन ने माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था और फल स्वरूप उनको अपनी बेटी के रूप में मांगा था, जिसके बाद माता प्रसन्न हुई और उनके घर में बेटी के रूप में उन्होंने जन्म लिया। पौराणिक मान्यता है कि ये माँ पराम्बा के लिए कात्यायन ऋषि के घनघोर तप का ही प्रताप था कि उनके घर में स्वयं दुर्गा ने जन्म लिया। कहा यह भी जाता है कि कात्यायन ऋषि के कात्य गोत्र में देवी भगवती के जन्म लेने से ही गोत्र परंपरा का शुभारंभ हुआ। तब से किसी भी पूजा पाठ में गोत्र का वर्णन महत्वपूर्ण होता है और ये मुख्य रूप से देवी भगवती का ही आह्वान होता है। देवी से जुड़ी एक कहानी ये भी है कि ब्रज की गोपियों ने श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए कालिंदी के किनारे माँ कात्यायनी की पूजा की थी। इसी के बाद माँ ब्रज की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। उसी मान्यता को आधार मान आज भी कुवारी कन्याएं अच्छे घर वर की मनोकामना के साथ छतरपुर मंदिर में देवी का पूजन करने आती है। मंदिर प्रांगण में ही स्थित है माँ कात्यायनी का शयन कक्ष और इस शयन कक्ष में आपको माँ की शैया, ड्रेसिंग टेबल और चूड़ी बिंदी तमाम तरीके की चीजें दिख जाएंगी। और इसी शयन कक्ष के साथ है माँ का बैठक कक्ष, जो कि कहा जाता है कि 9 जो रूप है माता के उनके विचार विमर्श के लिए बनाया गया है। इस कक्ष से पहले यहाँ पर बाबा नागपाल खुद निवास करते थे, लेकिन बाद में उन्हीं के इच्छा अनुसार इस कक्ष को माँ के शयन कक्ष के रूप में तब्दील कर दिया गया। कहा जाता है कि पहले इस मंदिर के स्थान पर एक कुटिया हुआ करती थी और संत बाबा नागपाल ने कर्नाटक से आकर साल 1974 में इस मंदिर की स्थापना की। देखते ही देखते ये मंदिर भारत के विशालतम और सबसे भव्य मंदिरों में गिना जाने लगा। माँ कात्यायनी के मंदिर का निर्माण वास्तुकला को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस मंदिर के निर्माण में आपको उत्तर और दक्षिण भारतीय वास्तुकला की झलक साफ दिखाई देगी। जब आप माँ के दर्शन के लिए आते हैं तो आप शिवालय के दर्शन करते हुए राम दरबार और फिर माँ कात्यायनी के दर्शन करते हैं और आखिर में आप दर्शन करते हैं महिषासुर मर्दिनी के, और इसी दर्शन के साथ आपकी मंदिर की परिक्रमा भी पूर्ण हो जाती है। बाबा नागपाल की दक्षिण भारतीय पृष्ठभूमि की छाप
छतरपुर मंदिर की बनावट पर दूर से ही नजर आ जाती है। विशाल क्षेत्र में फैले इस मंदिर को मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय शैली में ही बनाया गया है। मंदिर के निर्माण के लिए सफेद संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। उस पर सुंदर बनावट और नक्काशी से मंदिर के छटा को अनुपम रूप दे दिया गया है। मां कात्यायनी देवी का ये मंदिर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है और अपने आप में भव्य है। कई एकड़ में ये मंदिर फैला हुआ है और इसकी वास्तुकला पर अगर आप नजर डालें तो जिस दिशा में आप देखें, यानी कि अगर आप उत्तर दिशा में देखें तो उत्तर भारत से जुड़ी हुई कलाकृति या संस्कृति आपको वहाँ पर नजर आ जाएगी। इसी तरीके से दक्षिण पूर्व पश्चिम की संस्कृति भी आपको हर कोने में इस पूरे मंदिर प्रांगण में नजर आ जाएगी। यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है कि लंबे चौड़े क्षेत्र में फैले मंदिर प्रांगण के भीतर 20 से भी ज्यादा छोटे बड़े मंदिर मौजूद हैं। माँ कात्यायनी और माँ महिषासुर मर्दिनी के मंदिरों के अलावा यहाँ नवदुर्गा का शानदार मंदिर भी बनाया गया है। तो वहीं नवग्रह मंदिर की छटा भी निराली है। जहां गौरीशंकर मंदिर में महादेव सपरिवार विराजे हैं, तो वहीं नागराज मंदिर का विराट त्रिशूल दूर से ही भक्तों का मन मोह लेता है। थोड़ी ही दूरी पर मौजूद रामलला के दरबार की शोभा भी अत्यंत निराली है। और जहां प्रभु राम का नाम आ जाए वहां बजरंगबली अपना धाम ना बनाए भला ये कैसे संभव है। छतरपुर में दूर दूर से दिखाई देती है पवन पुत्र की ये 110 फीट ऊंची मूर्ति। सुरसा का मुख फाड़कर बाहर निकले महावीर के महारूप को छतरपुर मंदिर के कारीगरों ने बेहद भव्यता से समेटा है। यहाँ सूरज ढलने के बाद होने वाले लाइट एंड साउंड शो में बजरंगबली के विशालकाय रूप के अद्भुत दर्शन होते हैं। सिमारकंडे परिसर, वहाँ हनुमान जी का भी एक बहुत विशाल काय उनका स्थापना प्रतिमा किया हुआ है, जिसमें उनका लोग दर्शन करते हैं। और इसलिए करते हैं कि जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तो वहाँ उनका अनेकानेक परीक्षण हुआ, जिसमें सुरसा भी आई। वहाँ पर जस जस सुरसा बदन बधावा तास दून कपि रूप दिखावा, अर्थात हनुमान जी उससे भी विशाल रूप अपना बनाए। तो उस विशाल विग्रह का दर्शन करने से जो आश्रित शक्ति है उस भक्तों को कभी व्याप्त नहीं होता है, उनका दमन होता है, उनके अंदर में भय होता है, उसका समापन हो जाता है, निर्भय हो जाता है। इसलिए इस विशाल रूप जो भगवान श्री हनुमान जी महाराज का, उनका लोग दर्शन करते हैं वहाँ जाकर। मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही एक बहुत पुराना पेड़ है, वटवृक्ष इसे कहा जाता है। और मान्यता ये है कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही ये वृक्ष यहाँ पर मौजूद था। अब जब से ये वृक्ष है और जब से मंदिर यहाँ पर बना है, लोगों का आना जाना और इस पे मान्यता खूब ढेर सारी है। लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं और उस मन्नत के साथ ही यहाँ पर चुनरी, रूमाल, जो भी उनके पास होता है धागा, वो बांध कर चले जाते हैं। और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो उस धागे को, उस चुनरी को खोल देते हैं। कहते हैं माँ के इस मंदिर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। छतरपुर धाम में माँ कात्यायनी तो अपने भक्तों की झोली भरती ही हैं, लेकिन भक्तों के बीच इस पेड़ की महिमा भी कुछ कम नहीं। मैंने चुनरी बांधी थी, एक्चुअली हमारी लव मैरिज है, तो मैंने मांगी थी कि मतलब हमारी शादी हो जाए, तो सच में मेरी रियली शादी हम दोनों की हो गई, हम लोग बहुत हैप्पी हैं। इसी मान्यता के चलते रोज जाने कितनी ही उम्मीदों और विश्वास से सींचा जाता है माँ के दरबार का ये वट वृक्ष। मैं इस मंदिर में पिछले 15 सालों से आ रहा हूँ जी, मेरे मन का विश्वास है यहाँ, मेरी काफ़ी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं यहाँ के। यहाँ हमारे बाबा आते थे पहले, तो वो सेवा करते थे, उनके बाद फिर फादर आए, फादर ने काम किया, उसके बाद उन्होंने मेरे को बुलाया, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, 11 साल हो गए मेरे को यहाँ,
उस काम करते करते फिर हम ये मंदिर अपनी जगह पेड़ है, यहाँ हमने धागा बांधा। माता रानी का ये दरबार है, जो बोलते हैं वो छपोरी होती है। छतरपुर स्थित माँ कात्यायनी के दर्शन आज हमने आपको करवाए और माँ की आस्था से जुड़े हुए हर पहलुओं को आपको समझाने की कोशिश की। अब वक्त हो गया है आज की रीतियों से जुड़े हमारे सवाल का। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वानि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। इस मंत्र के द्वारा परिक्रमा किया जाता है। परिक्रमा का भाव ये है कि हम जो चल रहे हैं पग पग पर में, मेरे द्वारा जो भी कोई गलतियां, जो त्रुटि हुआ हो, जो कोई पाप हमारे में सन्निहित हो, उसका समापन हो हर पग पर में। हे प्रभु, इसे हमें बचाएँ और वो दोष का निवारण करें। जैसे भगवान शिव का परिक्रमा करें तो शिवम अर्ध परिक्रमेत, शिव की आधी परिक्रमा करें, क्योंकि जलधारा को आपने लांग करके नहीं जाएं, जाएं और वहाँ जलधारा जहाँ वहाँ से पुनः वापस आ जाएं, तो शिवम अर्ध परिक्रमेत। भगवती माँ का जब परिक्रमा करें तो तीन बार परिक्रमा करें। भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों विग्रहों में समस्त सृष्टि सभी देवी देवता सन्निहित होते हैं, अर्थात तीन बार परिक्रमा माँ का करें। उसके बाद भगवान शिव का, भगवान विष्णु का पूजन, भगवान विष्णु का अगर परिक्रमा करते हैं पूजन के बाद, उसमें चार परिक्रमा करें। भगवान विष्णु के चार परिक्रमा क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस चारों कामनाओं के साथ भगवान विष्णु का चार परिक्रमा किया जाता है। चार वेद हैं, चार वेद के अनुसार से ही परिक्रमा करते हैं, चारों वेदों की परिक्रमा होता है। आपने चार प्रकार की प्रसाद मांग रहे हैं, इसलिए आप परिक्रमा करें। साथ ही साथ उसके बाद आपने इस परिक्रमा को करते हुए और अपनी कामना निवेदन करें कि जन्म जन्मांतर कृतानि च, मेरे द्वारा जन्म जन्मांतर में भी कोई पाप हुआ हो जिसे हम अज्ञात अज्ञात नहीं भी जानते हैं, हर पग पर में उस पाप का क्षय हो और पुण्य की उदय हो, इसी कामना से परिक्रमा किया जाता है।